ओके स्टूडेंट, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने सन के बारे में एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्लैनेट अर्थ टॉपिक। ये आप लोग देख रहे हैं आपके बुक पर पेज नंबर 7 पे मिलेगा। द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट एंड द थर्ड नियरेस्ट टू द सन। इट इज स्फेरिकल इन शेप, slightly flattened at the poles and bulging at the equator. This shape is described as geoid. Our Earth is a unique planet because it is the only planet in the solar system where life is known to exist. Can you say why? This is because the Earth has all the favorable conditions required for the existence of life. पृथ्वी हमारी पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है तथा सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर देखेंगे तो ये तीसरा ग्रह है। आकार में ये गोलाकार है तथा ध्रुवों पर ये चपटी हुई है तथा इक्वेटर में आप देखेंगे तो थोड़ी उभरी हुई है। इस तरह के शेप को हम लोग जियोइड शेप के नाम से जानते हैं। हमारी अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, मतलब अद्वितीय प्लेनेट है, इसके समान कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, क्योंकि यह मात्र ऐसी प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ की जीवन पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वो सारी फेवरेबल कंडीशन मौजूद हैं जो कि जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। वो सारे परिस्थितियाँ हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे कि आप देखेंगे दे आर ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन से इसका डिस्टेंस भी जो है वो एकदम अनुकूल है। आप देखिएगा तो तीसरे नंबर पे है, न सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है न सबसे ज़्यादा दूर है। सेकंड नंबर, एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान सतह का 14 डिग्री सेल्सियस है। सुटेबल सीजन्स एंड वेदर कंडीशन, उपयुक्त ऋतुएँ हैं तथा मौसमी सभी घटनाएँ पृथ्वी पर उपयुक्त हैं जीवन के लिए। फोर्थ नंबर, एडिक्वेट अवेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, और पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे नट्स एंड बोल्ट्स में। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, देयरफॉर टू द एस्ट्रोनॉट्स हु सी द अर्थ फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर, दैट इज़ वाई द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी के सतह पर लगभग 71% वाटर है तथा इस 71% में से भी अधिकांशतः जो वाटर है, 97% जो वाटर है वो ओशियन का पानी है। अतः इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट लोग, वो लोग स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी ब्लू कलर में दिखाई देती है। यही कारण है कि पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स विच मीन्स इन हिंदी उपग्रह। इन जनरल अ सैटेलाइट इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट्स समथिंग एल्स एच। For example, the moon orbits the earth and is a satellite. Like the planets, the satellites have no light of their own and they too reflect the light they receive from the sun. सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि प्लेनेट जो है उसका ऑर्बिट है सन, सन के चारों तरफ वो रिवॉल्विंग करता है, लेकिन सैटेलाइट का दूसरा ही उसका ऑर्बिट होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो मून का जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी की तरफ पड़ता है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो मून है ये सैटेलाइट है। जैसा कि प्लेनेट के पास भी अपना लाइट नहीं होता है, ठीक उसी तरह सैटेलाइट का भी अपना लाइट नहीं होता है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जो भी लाइट ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। टुडे मैनमेड सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड इनटू अ स्पेस टू स्टडी वेदर कंडीशन, डेवलप टेली कम्युनिकेशन, टेक फोटोग्राफ्स एंड मैप लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। आज के समय में बहुत सारे मानव निर्मित भी उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं स्पेस में, जैसे कि मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, संचार संबंधी कार्यों का विकास करने के लिए।
या पृथ्वी के सतह के अन्य क्षेत्रों का जो बड़े क्षेत्र में मौजूद हैं वहाँ की पिक्चर निकालने का तथा अंतरिक्ष में अनुसंधान संबंधी कार्यों को करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में मानव निर्मित सैटेलाइट भी उपग्रह किए जाते हैं। आप लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ा होगा आर्यभट्ट नाम का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1975 ईस्वी में। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लेनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स हैव मेनी मून्स व्हाइल मर्करी एंड वीनस हैव नो मून एट ऑल। द अर्थ हैज ओनली वन मून। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स के पास बहुत सारे मून हैं, जबकि मरकरी और वीनस के पास अपना कोई मून नहीं है। पृथ्वी के पास मात्र एक मून है और सबसे ज़्यादा मून, याद रखेंगे आप, शनि का सबसे ज़्यादा मून है। मीन्स शनि के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, उसके बाद जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, राइट। नेक्स्ट द अर्थ्स मून। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर बट देन वाई डज इट अपियर एज बिग एज द सन। दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस देन द सन। इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 384,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द मून सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विथ डस्ट। इट हैज लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रेटर्स। देर इज नो एयर ऑन द मून। इट हैज नो लाइफ ऑफ एनी काइंड। पृथ्वी की जो चंद्रमा है वह सबसे चमकीली ऑब्जेक्ट हैं रात के समय में, आकाश में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि प्लेनेट का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, उसी तरह सैटेलाइट का भी अपना कोई लाइट नहीं होता है। मून की जो डायमीटर है वह पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 होता है, 1/4 होता है, लेकिन फिर भी यह सन के समान ही बड़ा दिखता है। क्यों? यह इसलिए दिखता है क्योंकि यह सन की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है हमसे। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। मून का जो सतह है वह रॉकी है, चट्टानों वाला है तथा धूल कणों से भरा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके सतह पर, जिसे क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, अतः यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद नहीं है। नाउ द नट्स एंड बोल्ट्स। अ फुल डे ऑन द मून लास्ट अबाउट 29 अर्थ डेज ऑन एन एवरेज फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट। मीन्स चंद्रमा पर जो दिन होता है पूरा वह 29 दिन का होता है। एक सूर्य उदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होता है वह 29 दिन का समय लेता है। अब हम लोग जा रहे हैं देखने नेक्स्ट टॉपिक, जो उसका नाम है एस्ट्रॉइड्स। इसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। यह दो ग्रह के बीच में पाया जाता है। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर थाउजेंड ऑफ प्लेनेट लाइक अ स्मॉल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद द प्लेनेट्स। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स और प्लेनेटॉइड्स। मैनी बिलीव दैट दीज आर पीस ऑफ सम प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड अ लॉन्ग टाइम बैक। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज द सिरिस। मंगल तथा बृहस्पति, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में हजारों की संख्या में ग्रह जैसे दिखने वाले छोटे छोटे बॉडीज मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लेनेट के साथ ही प्लेनेट जिस तरह से
सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से ये भी जो है उनके पथ में मौजूद हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें एस्ट्रॉइड की नाम दी गई है, प्लैनेटॉइड्स की भी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे विश्वास करते हैं कि ये पहले ग्रह ही थे और उसी में से टूट कर के निकल गए। अब चूंकि अब ये भी उसी पथ पे है, ये भी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की ही, तो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो प्लेनेट तो नहीं बोल सकते हैं, तो प्लैनेटॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स के नाम से कह सकते हैं इसको। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है उसे सिरेस के नाम से जाना जाता है, राइट।